हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। लोक शिक्षाओं का आज निर्णायक घड़ी है, चूँकि हाई कोर्ट के जो माननीय जस्टिस हैं उन्होंने डायरेक्टर को सदैव उपस्थित होने के लिए कहा है और जवाब भी फाइल करने के लिए कहा है। तो मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि डायरेक्टर को उपस्थित होने का मतलब है जब कोर्ट को ये समझ में आ जाती है ये सचमुच में इनका समायोजन होना चाहिए, इनको नौकरी मिलना चाहिए, उसी हालत में जो अधिकारी होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन निर्णायक घड़ी है और कुछ लोक शिक्षक आए हैं और यही ये ग्राउंड है मिलर हाई स्कूल। बहुत पहले यहाँ लोक शिक्षकों का एक यहाँ सम्मेलन हुआ था, लेकिन क्या है कि भले ही आज ये संख्या है उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन इनका जोश जुनून उत्साह उससे भी कम नहीं है। तो ये बारी बारी से जो समस्या है उस पर प्रकाश डालेंगे और अपना परिचय देंगे। मैं अब्दुल सत्तार, ग्राम फिरोजपुर, प्रखंड पाड़ू, जिला मुजफ्फरपुर, लोक शिक्षा। मैं सबसे पहले मेरा साहब को धन्यवाद देता हूँ जो डूबे हुए नैया को इन्होंने बिरा पार लगाने में बहुत बड़ा योगदान और है इनका। साथ ही इन्होंने 19 तारीख को जो 19 फरवरी 2024 को जो बहस हुई उसमें जज साहब ने डायरेक्टर को कॉल किया कि लोक शिक्षकों के साथ जो बेईमानी हुआ है वे अच्छा नहीं हुआ, इसलिए उनको लिखित के साथ साथ उनको स्वदेह मतलब उपस्थित होने के लिए भी उनको ऑर्डर किया गया है, आदेश दिया गया है, इसलिए हम लोग भी उपस्थित हैं। साथ ही मैं तमाम लोक शिक्षकों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, आरजू है कि वे घबराए नहीं। मैं 1 से 6 नहीं, ये संघ के नाम से यह मतलब कि आपको केस किया गया है, इसके बाद जैसा होता है फिर आपको 2 बजे के बाद ही मैं आपको तमाम बताऊंगा। धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार, प्रखंड गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर से लोक शिक्षक। मेरा नाम फूलदेव राय, ग्राम पोस्ट लक्ष्मण नगर, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर के मैं लोक शिक्षक हूँ। और इससे पहले 19 तारीख को जो केस फाइलिंग हुआ था इसमें डायरेक्टर साहब को 4 तारीख को बुलाया था, तो अभी 2 बजे के बाद इसको सुनवाई होगा। इसे उम्मीद बुझा रहा है पूर्ण कि तमाम लोक शिक्षकों को होगा। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार, गायघाट, मुजफ्फरपुर, लोक शिक्षक। सभी बिहार प्रदेश के लोक शिक्षकों को इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज बहुत खुशखबरी का दिन है। आज का दिन जो है, जो हम लोग इसी प्रांगण में कुछ दिनों पहले सभी के सभी बिहार के लोक शिक्षक पहुँचे हुए थे, आज हम लोग बहुत कम संख्या में है, फिर भी हम लोग उत्साहपूर्वक है और इस उत्साह के साथ, और आज की आज का जो दिन है उत्साह का दिन है। और हम लोग अभी तक मनोबल घटाए नहीं है और जितने भी लोक शिक्षक है वह अपने आप इस चैनल के माध्यम से सुनते होइएगा तो वो जहाँ है वहीं से मनोबल घटाने का चीज़ नहीं है। हमारे मिराजुद्दीन भाई जो त्याग किए हैं हम लोग के लिए वो बहुत बड़ा उनका त्याग है। हम सभी लोक शिक्षक भाई बहनों से अनुरोध है कि हतोत्साह होने की बात नहीं है। आज जो 2 बजे का दिन है, आज जो 2 बजे का दिन है बहुत खुशखबरी का दिन है। यह एक सोचने और समझने, सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, सोचने समझने का दिन है। जो जज साहब डायरेक्टर साहब को जो बुलाए, कुछ सोच समझ के ही डायरेक्टर साहब को बुलाए हैं, और डायरेक्टर साहब को जो बुलाया जाता है
उनके में एहसास हो गया हुआ है जज साहब को, जो लोक शिक्षकों का मांग जायज है, आज उस जायज का डायरेक्टर साहब के निकट जज साहब का फैसला है। 2 बजे के बाद इसकी सुनवाई है। इसलिए हम तमाम लोक शिक्षकों से आरजू विनती है कि अफसोसा होने की बात नहीं है, और मिराजुद्दीन भाई हम लोगों के लिए, सभी लोक शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा उनके उनका हम लोग हम सभी लोग एहसानमंद है। इसी के साथ हम मनोज भाई को, मैं मनोज कुमार, ग्राम हनुमान नगर, पोस्ट कांटा पर अच्छा, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर से हूँ। और अभी जो आपको अशोक भाई सारे चीज़ बता दिए हैं कि ये जो है सो लोक शिक्षक का जो है सो आज सुनवाई होने वाला है, वो सारे चीज़ आपको अशोक भाई बता दिए हैं, तो 2 बजे के बाद क्या होती है तो फिर बताया जाएगा। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, गायघाट प्रखंड का लोक शिक्षक हूँ। मैं हुकुमदेव राय, गायघर प्रखंड, ग्राम पोस्ट लक्ष्मण नगर से हूँ। अभी तक जो लोक शिक्षक का संघ को जीवित रखने का काम मेरा जी ने किया है, और जो भी इस संघ में है या नहीं है, वो लोक शिक्षक से अनुरोध है कि इस लोक शिक्षक संघ का मनोबल कमज़ोर नहीं करे। आज जो 4 तारीख का दिन है, स्वदेह डायरेक्टर साहब को कोर्ट में हाजिर होना है, जज साहब बुलाए हैं। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय लोक शिक्षक, जय बिहार। मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं पटना जिला से हूँ, मैं फतुहा प्रखंड की हूँ। और मैं जब 2019 में 4 फरवरी को जब हम लोग केस फाइल करने जा रहे थे, तब हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग थे, एक मेरा सर, एक हम अशोक सर और एक राजेंद्र भाई। हम लोग 4 आदमी मिलकर के इस केस को बहुत देर तक मतलब दुख झेले हैं, लेकिन आज हम लोग का वो दिन आ गया है जो 2 बजे के बाद हम लोग को खुशखबरी मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार हुआ, ग्राम परसा पुष्प परसा, थाना फतुहा, जिला पटना का स्थायी निवासी हैं। और हमारे मिराज सर अपने लगन से, तहे दिल से लोक शिक्षकों को समावोजन कराने में प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद। तो मैं बिहार के लोक शिक्षकों से ये उनके सामने जो अपना विचार है व्यक्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, कहीं ना कहीं लोक शिक्षकों ने तो कमी किया। देखिए, यही मिलर हाई स्कूल का मैदान है जहाँ पूरे बिहार के लोक शिक्षक इकट्ठा हुए थे, और वहाँ के बेगूसराय के एक नेता थे भोला सिंह, वो यहीं पर वो काले काले बादल, वो घटाएँ, इस तरह से भाषण दिए। जब उनको मंत्री बना दिया गया नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में, तो फिर वो कहाँ चले गए आज तक पता नहीं चला। तो खैर, कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, तो गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उसमें कहा गया था कि आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए। अगर रिप्रेजेंटेशन फाइल उचित तरीके से किया जाता और फिर आके अगर कोर्ट को बताया जाता तो इतना लेट नहीं होता। उसके अलावा पूरे बिहार के लोक शिक्षक आए, कहावत है कि चोले न जनिए अगना टेर, वो ओरल ऑर्डर लेकर ये दवा वो दवा मुंह से करते रहे। और चूंकि जब ओरल ऑर्डर आता है तो उसको फिर जाके कोर्ट को बताना पड़ता है, तब जाके मैंडमेस आदेश होता है। तो अभी ये जो केस है, ये केस एक तो संत के रूप में फाइल है, दूसरा क्या है कि अब जो भी आदेश होगा परमादेश होगा, यानी मैंडमस आदेश होगा। और आज चूंकि जो कोर्ट ने जो बिहार के डायरेक्टर को, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को सौदे उपस्थित होने के लिए कहा है, उसका रीज़न यही है कि जज को इस बात का सबूत मिल गया कि लोक शिक्षकों के साथ नाइंसाफी हुई है, और
वो जा चुकी, हिटलर ने भी कहा था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो अब लोक शिक्षक का जहाँ भी जो भी बाधा है, अब बाधा पार करके लोक शिक्षक आगे बढ़ रहा है। ये बात सत्य है कि एक ऐसा दौर था कि मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में लोक शिक्षकों का तांता लगा हुआ था, लेकिन आज ये जो भी लोक शिक्षक है, मैं समझता हूँ चूँकि भीड़ जो होता है, भीड़ कार्य नहीं करता है मेरे भाई, हिटलर अपने जीवनी में लिखा है भीड़ का कार्य होता है, जब जब भीड़ होता है तो ज़्यादातर दंगा फसाद होता है, ज़्यादा उसमें जो है समझिए ना यो करने वाली घटना होता है। लेकिन ये सूझबूझ से यहाँ जो भी देख रहे हैं, सतार भाई हैं, संगीता बहन हैं और जो भी लोक शिक्षक हैं, तो ये सूझबूझ से है। और इनका मोहम्मद मिराजुद्दीन, मैं बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आज जो भी लोक शिक्षकों का कार्य आगे बढ़ा है, ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, योगदान तो इन्हीं लोगों का है कि इन्होंने त्याग करके समझिए अपने जो परिवार का जो हक हुकूक होता है उसको वहाँ सेवा नहीं देकर लोक शिक्षकों के लिए, अधिकार के लिए शुरू से आखिरी तक लड़े। और इन्होंने, संगीता जी बहन ने सही बताया कि एक ऐसा दौर था कि हम लोगों को ऐसा कहें कि एक तरह से ज़िंदगी क्या था, जो एक दर दर भटकने, यानी छुप के चल चल के किसी तरह, लेकिन लोक शिक्षकों का जो कार्य था उसको आगे बढ़ाने में हम लोगों ने सहयोग किया। तो खैर, ये जो भी आज होगा, चूंकि अब बिहार के लोक शिक्षकों से में यही कहना है कि कोर्ट ने डायरेक्टर को बुलाया है, लोक शिक्षकों ने नहीं बुलाया है, जज को लगा कि नहीं, ये चूँकि आपका ऑर्डर 7 है, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा लोक शिक्षक नहीं है कि ऑर्डर 7 तक वो अपना केस को खींच कर ले गया है, ओरल ऑर्डर आया उसी को एमजेसी में गए, फिर एलपीए में गए और हम लोग फिर उसके बाद हवा हवाई। तो यहाँ वैसी बात नहीं है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, हम कह दें इन हवाओं से औकात में रहें। अब जो भी लोक शिक्षक का है, अब जो भी सूझबूझ से है, पूरे बिहार के लोक शिक्षक कहना है कि ये जो भी हमारे साथ, चूँकि ये जो भी टीम है, ये त्यागी लोगों का टीम है और इन लोगों ने त्याग करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो अब बिहार में जो भी लोक शिक्षक जो मुझे कॉल करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप ये जो भी सहयोगी हैं उनसे कांटेक्ट करें आपके लिए, क्योंकि मेरा काम है आपके लिए कोर्ट में लड़ना, अब फील्ड का जो भी काम है यही लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि लोक शिक्षक भाइयों, जो मैंने आप में कमी पाया कि आप में डिसिप्लिन का कमी रहा, आप में जो पहला कमी रहा, अगर आपको कोई भी निर्देश दिया जाता है आप उसका पालन नहीं करते हैं, और जो कार्य करने वाले होते हैं उन्हीं को आप गलत साबित कर देते हैं। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है, अब बिहार में जिसको आपने, जो आपका पिटिशनर बनो बनाया, आप उसी को आप गलत साबित कर रहे हैं, गलती उनका नहीं है, गलती आपका है, चूँकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो खैर, आज सुनवाई होने जा रहा है, मेरा जितना काम था आपके सबूत को हाईकोर्ट के रिकॉर्ड तक मैंने पहुँचा दिया है, आज डायरेक्टर आएंगे, उनसे जज का पूछना है, उनका काम है, और जो भी होगा ये रिकॉर्ड होगा, आपको ऑर्डर में भी ये मिलेगा। तो डायरेक्टर जैसा जवाब देता है वैसा आपका जो भी होगा, चूँकि ये बात तो सही है कि जो जज थे हाई कोर्ट के, उनको लग गया कि लोक शिक्षकों के साथ नाइंसाफी हुआ है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर को कॉल किया है कि आप सदैव उपस्थित होइए और जवाब फाइल करिए। आगे जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दिया जाएगा। आज इस मिलर हाई स्कूल में आने का कारण ही यही रहा कि एक ऐसा दौर था कि लोक शिक्षकों का यहाँ तांता लगा था, उस समय बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन क्या है कि आज जो भी लोक शिक्षक हमारे साथ हैं, भले ही संख्या कम है, लेकिन इनका उत्साह और इनका जो विश्वास भरोसा कम नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम जरूरी आने वाले दिनों में आपको बहुत ही देखने को मिलेगा। क्योंकि लोक शिक्षकों को अगर समायोजन हो भी जाता है, फिर भी उसके हक अधिकार के लिए लोक शिक्षक का ये संघ है, उसके लिए लड़ती रहेगी, लड़ेगी, और जो भी होगा अच्छा होगा। ये बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आपका अब जो भी होगा, चूँकि कोर्ट इसके लिए डायरेक्टर से पूछेगी, आज जो मेरा काम है वहाँ सौदे उपस्थित होना, अब कोर्ट पूछेगी जी इस डायरेक्टर को कि इसको आप क्यों, इसको आप जो है दरबदर कर दिए, क्यों लोक शिक्षक को आपने जो है ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोक शिक्षक का एक नया दौर शुरू हो गया, इससे पहले जो भी हुआ था वो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं था, अब जो भी है, चाहे जो भी सबूत है, जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो, चाहे प्रधानमंत्री ऑफिस का जांच रिपोर्ट हो, या जो भी सबूत है कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, और अब जो भी होने जा रहा है अच्छा होने जा रहा है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि जो भी हमारे साथ लोक शिक्षक है, जो जीता हुआ टीम आपको दिखाई दे रहा है, आप उन पर भरोसा करें, ये निश्चित ही आपके लिए अच्छा सोचेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।